और दोनों ही प्योरली उधर जाट है, उधर राजपूत है और मोमडन है। अब मोमडन कितने खिसक के जाते हैं पार्टी की तरफ या कितने कांग्रेस की तरफ आते हैं, वो परिणाम जो होगा वो क्लियर। देखो, बाड़मेर जैसलमेर सीट इस बार सबसे चर्चित सीट है देश की, इसलिए कि यहाँ समीकरण बहुत फंसे हुए हैं। तो अब जो टक्कर है उम्मेदाराम और पार्टी के बीच में, नहीं नहीं मेरे को नहीं लगता कि रघुवीर सिंह की पार्टी वहाँ टिकेंगे। राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट जो कि काफ़ी हॉट सीट रही और वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद कैलाश चौधरी मैदान में थे, तो वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोड़कर आए उम्मीदवाराम को अपना प्रत्याशी बनाया। इन दोनों को टक्कर देने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार जो कि जैसे ही विधायक बने थे रविंदर सिंह भाटी, उन्होंने भी ताल ठोक दी। उसके बाद त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, कई तरह की खबरें भी सामने आई। अब वहाँ के क्या समीकरण रहे, ये जो कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने वहाँ पर रिपोर्टिंग की थी, इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है, मुझे बताइए बाड़मेर जैसलमेर बहुत हॉट सीट थी, कई तरह की खबरें आ रही थी, किस तरह से देखा आपने और क्या किसका परिणाम आ रही है? बाड़मेर जैसलमेर सीट प्योर जातीय चुनाव था, प्योर जिसे कहते हैं जातीय समीकरण थे वहाँ पर, और रविंदर सिंह भाटी जो खड़ा हुआ उसके पीछे राजपूत समाज पूरा जुड़ा हुआ था। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे मुस्लिम थे, अल्पसंख्यक थे, अमीन खां, चूँकि उनकी नाराज़गी थी इसलिए उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ करके भाटी का साथ दिया था। और भाटी आने के बाद बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई। अभी जो फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, ये रविंद्र भाटी और बीजेपी के बीच में है, ये कांग्रेस और रविंद्र भाटी के बीच में है। कांग्रेस का उम्मीदवार से रालोपा के जो कार्यकर्ता है वो नाराज है, तो इसलिए ये कहना मुश्किल हो रहा है कि उम्मीदवाराम जीतेगा या कांग्रेस जीतेगी या भाटी जीतेगा। पर ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में इतना करीबी मुकाबला है कि परिणाम कुछ भी हो सकता है। नहीं सर, अभी आपने बताया जातीय चुनाव होता है, तो बाड़मेर जैसलमेर में जाट समुदाय के काफ़ी सारे वोटर, 4 लाख से ज़्यादा वोटर है, लेकिन जाट वोटर के बारे में कहा जाता है कि वो सत्ता के साथ रहते हैं, तो ऐसे में वो सत्ता के साथ नहीं रह के जाट वोटर उम्मीदवाराम की तरफ शिफ्ट हो गए, तो राजपूत और मुसलमान का एक धड़ा उसके साथ चला गया भाटी के साथ, इस कारण ये बचा हो गया। और कैलाश को कोई वोट नहीं मिल रहा जाटों का, तो कैलाश जी 3rd नंबर पर चले गए। तो अब जो टक्कर है उम्मीदवाराम और भाटी के बीच में है, और दोनों ही प्योरली उधर जाट है, उधर राजपूत है और मोमडन है। अब मोमडन कितने खिसक के जाते हैं भाटी की तरफ या कितने कांग्रेस की तरफ आते हैं, वो परिणाम जो होगा वो क्लियर होगा। सर वो परिणाम होगा, मैं एक और बात करूंगा आपसे कि 8 विधानसभा सीटें थी इस लोकसभा चुनाव के दौरान, 2 सीटें ही हाईलाइट रही, एक तो बायतू और एक सिव, बाकी की 6 जो विधानसभा सीटें थी उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, किसी तरह की वहाँ से कोई खबर भी नहीं आई, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए। तो ऐसे समय में सीधा कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी या कांग्रेस की ही टक्कर है, बीजेपी टक्कर में नहीं है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर इलाका ऐसा है जहाँ केवल जाति का चुनाव है, जातियों के आधार पर ही है, एक तरफ जाट है, एक जाट पहले बीजेपी तरफ चला गया था, तो राजस्थान में आप देख लेना जितनी भी सीटें हैं शिफ्ट कर गई थी बीजेपी, इस बार जाट बीजेपी से नाराज है और राजपूत भी कहना चाहिए कि बीजेपी की तरफ साथ नहीं दे पा रहा पूरा जितना देना चाहिए, तो इस कारण से वो टक्कर में आ गई सीट। और कैलाश जी के लोग विरोध में हैं, खड़े हैं, इसलिए कैलाश जी का कहीं स्थान भी नहीं है। ठीक है, अब लक्ष्मीकांत जी आप बताओ, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट है, तो यहाँ पर तो कई सारे फैक्टर काम कर रहे, जातीय चुनाव भी था, दूसरा क्या है कि एक पुरुषोत्तम रूपाला जो सांसद थे गुजरात के, उन्होंने भी कुछ बोला था उसको लेकर, राजपूत नाराज थे, तो आपने रिपोर्टिंग की थी, तो उस दौरान क्या कुछ चीज़ आई, कौन सी जाति या कौन युवा या बुजुर्ग कौन किसके साथ था? ऐसा है, जातिवाद का चुनाव था टोटली वहाँ पे, और दोनों कैंडिडेट चौधरी थे और एक बीच में राजपूत रविंद्र सिंह जी भाटी। तो क्या हुआ था कि रात को दोनों की बैठक हो गई और एक कैंडिडेट को जिताने के लिए उन्होंने एक बैठक कर ली कि भाई उम्मीदवाराम जी को जिता दो सही रहेगा, चौधरी है अपनी जात का है तो सिवाना में, और जैसलमेर में छोटू सिंह जी वगैरह ये सारे लोग एक हो गए थे और उम्मीदवाराम जी को जिताने में इनकी अहम भूमिका रहेगी और वहाँ से उम्मीदवाराम जी ही निकलेंगे। अच्छा, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं जो रालोपा छोड़कर आए थे कांग्रेस में शामिल हुए वो जीत जाएंगे। अच्छा सर, आप के आर गोदारा जी, आपने काफ़ी रिपोर्टिंग की है, तो मुझे ये बताओ कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट है, इसको लेकर कई तरह की रोज़ाना न्यूज़ अलग आ रही है, सट्टा बाजार भी रोज़ चेंज हो रहा है, कभी किसका पलड़ा भारी, आपकी नज़र में किसका पलड़ा भारी है? देखो, बाड़मेर जैसलमेर सीट इस बार सबसे चर्चित सीट है देश की, इसलिए कि यहाँ समीकरण बहुत फंसे हुए हैं। शुरुआत में
बीजेपी विनिंग लग रही थी स्टार्ट में जब टिकट वितरण हुए, उसके बाद उम्मीदवार को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया जो रालोपेश आया। रविंद्र सिंह भाटी बहुत जल्दीबाजी में ऊपर जाने के लिए इन्होंने अनन फानन में फॉर्म भर दिया, जबकि एमएलए में जो जीत उनकी हुई है वो उनके भी कई समीकरण थे, तो इन्होंने वो समझ लिया लोकसभा को, लोकसभा चुनाव और विधानसभा में बहुत फर्क, वो एक शिव विधानसभा अभी सात बाकी, तो और फिर जातीय फैक्टर। जाटों ने चुनाव से एक दिन पहले मीटिंग करी और सारे जाट एक तरफा बीजेपी के पक्ष में गए। कांग्रेस के जितना भी नेता थे, चाहे हेमाराम हो, चाहे हरीश चौधरी हो या और हो, इन सारे लोगों ने उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरे प्रयास किए, पूरे प्रयास किए कि ये नहीं जीतना। अगर उम्मीदवार जीतता है तो इनकी सबकी राजनीति खत्म होती है, ठीक है। दिखाने के लिए हर वक्त उसके साथ रहे, उसको सलाह भी देते रहे, लेकिन बैकडोर पे ये कहते रहे कि भाई इसको रोको, ये बिल्कुल फैक्ट है। चुनाव से एक रात पहले जो मीटिंग हुई और रालोपा के कुछ कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो कार्यकर्ता थे वो उम्मीदवार की थे जो कैलाश चौधरी को सपोर्ट किए एक रात पहले, फिर संयोजक हनुमान बेनीवाल के बयान भी आए, लेकिन वो इसी के वोटर थे उम्मीदवार के, तो उसके खुद के जो वोटर रालोपा के थे वही छोड़ के भग गए, वही अगर बीजेपी के समर्थन में आ गए तो आप वो परिस्थितियाँ कैसी रही होगी आप समझ सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, रविंद्र सिंह भाटी जब मतगणना होगी तो तीसरे नंबर पे रहेगा, ये आप देख लेना मैं आज कह रहा हूँ। उसकी वजह है कोर वोटर किसके हैं, बीजेपी और कांग्रेस के, उसके कोई कोर वोटर नहीं है, वो निर्दलीय है। फिर राजपूतों के वोट कितने हैं, बाड़मेर में बहुत कम है, थोड़े बहुत जैसलमेर में, जाटों के 4-5 लाख वोट हैं, वो एक तरफा नहीं तो 80-20 हुआ है। फिर SC ST कांग्रेस में गई है तो बीजेपी में भी आए हैं। मोमडनों ने वोटिंग कम की, थोड़ी बहुत शिव में की, उसके पक्ष में की, निर्दलीय के पक्ष में हो सकता की हो, बाकी जैसलमेर वाले जो सिंधी मुसलमान जिसको अपन कहते हैं वो बिल्कुल ही कांग्रेस के साथ गए, वो बीजेपी को उन्होंने वोट नहीं दिए, वो कांग्रेस के साथ गए। तो टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की है, निर्दलीय की टक्कर नहीं है, जहाँ तक जो सारे विश्लेषण वो मैं बता रहा हूँ। चुनाव में क्या होता है वो तो अब आज अपन कहेंगे, कल क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन ये वहाँ का टोटल रहा है और उस हिसाब से बीजेपी बाड़मेर में जीत रही अभी जो समीकरण है, जब होगा तो क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन आज की ये स्थिति है। ये साइलेंट वोटर जो पड़े हैं, जो वोट पड़े हैं ना बीजेपी को, वो लोगों को दिख नहीं रहे हैं। 7-6 विधानसभा कहाँ जाएगी, चोटन, जैसलमेर प्रॉपर, आपके पोकरण, तो ये इनके सिटिंग एमएलए हैं वहाँ, तो वो हार कौन अपनी हार निकालेगा, भले ही वो जाट हो चाहे राजपूत हो, कोई हो, अगर पार्टी से जुड़ा है तो ऊपर से सीधे निर्देश थे इनको कि हारे तो फिर आप देख लेना। ये चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में आई नहीं, ये राजनीतिक चीज़ें होती है जो अंदर की अंदर चलती है, तो ये ऐसा अभी कयास लगाना तो नहीं है, लेकिन फिर भी टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर रहेगी। सर अब मैं आपसे बात करूंगा कि एक चुनाव के दौरान एक चीज़ सामने आई थी रविंद्र सिंह भाटी को लेकर कि वो लंदन में गए थे, राहुल गांधी से मिले थे, अशोक गहलोत ने उनको चुनाव में सपोर्ट किया, तो ये फैक्टर भी रहेगी। ग्राउंड जीरो पे आप रहे थे, आपके सामने कुछ चीज़ें आई थी ऐसी? नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगता कि रविंद्र सिंह की भाटी वहाँ टिकेंगे, क्योंकि उन्होंने वो एक कहावत है, आधी को छोड़ पूरी ध्यावे, आधी रहने पूरी पावे, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये वहाँ तक सीमित रह जाएंगे। अच्छा लड़का है, लेकिन बहुत उतावलीपन है, उतावलापन कहते हैं इसको, जल्दबाजी कर दी इन लोगों ने। और फिर उमेश राम जी के पक्ष में देखो आप, क्या रालोप की पूरी कार्यकारिणी जो कैलाश जी के पक्ष में आ गई, उमेश राम जी ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद में वो रालोप छोड़ के और कांग्रेस में घुस गए, तो रालोप के जो कार्यकर्ता थे नाराजगी उनकी भी हुई। अच्छा, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनकी भी नाराजगी थी कि ये अभी आ गया, जीत गया, कर गया तो हमारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कैलाश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी के अंदर मुकाबला रहेगा, नहीं इन कैलाश चौधरी के अंदर और उमेश राम जी चौधरी के अंदर मुकाबला रहेगा। लेकिन जीत किसकी होती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये सीट भी, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है, सबको सुरक्षा चाहिए, मोदी जी भी वहाँ के गए थे, और जो जागरूक मतदाता हैं वो भी ये चाहेंगे भाई हमारी बहन बेटे सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे। तो ये सीमाएं सुरक्षित रहे कौन रख सकता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सीमावर्ती इलाका होने के कारण जो जागरूक मतदाता हैं, जातिवाद है मानता हूँ मैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ कैसे भी करके कैलाश जी सीट निकाल लेंगे।
अच्छा, अब जैसे ये वरिष्ठ पत्रकार थे, इन्होंने कहा है कि कैलाश जी सीट निकाल देंगे। सर अब आपसे भी बात कर लेता हूँ मैं, आपने रिपोर्टिंग की थी उस दौरान, ऐसी कोई चीज़ें आई थी आपके सामने, कोई विवादित आपस में झगड़ा कलह जो कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी के लोग कलह कर रहे हो आपस में, या ऐसा कुछ था आपके सामने, क्या कुछ आया था बीजेपी या जो वोटर के मन में क्या था, ऐसी कुछ चीज़ें आप शेयर करिए। वोटर्स का, इस बार वाले वोटर्स का कुछ नहीं कह सकते, बहुत सारी चीज़ें वो डाइजेस्ट कर रहे हैं और वो सामने क्या लेके आएंगे, वो जब परिणाम आएंगे तो ही पता लग पाएगा। नहीं, जिस तरह से आपने रिपोर्टिंग की थी, आपकी नज़र में कौन किसका परिणाम भारी आपको नज़र आ रहा है? मैं ये जा रहा हूँ, अनएक्सेप्टेड तो रिजल्ट है ये, 4 जून को वैसे भी परिणाम आएगा, लेकिन आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार की आपने रिपोर्टिंग की उस हिसाब से पूछ रहा हूँ, आपको कौन किसका परिणाम भारी लगा और कौन आगे था? ठीक है, अब जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार थे, इन्होंने बताया बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर, कहा कि ये हॉट सीट तो थी और त्रिकोणीय मुकाबले के बीच बहुत ही रोचक परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन यहाँ पर कई तरह के परिणाम अलग अलग पत्रकारों ने बताए, किसी का कहना निर्दलीय जीतेंगे, किसी का कहना बीजेपी जीतेगी और किसी का कहना कांग्रेस जीतेगी। अब देखना ये 4 जून को क्या परिणाम आता है। जोधपुर से करणपुरी, ABP News।